एक बार की बात है, एक जंगल में एक हिरन जा रहा था। वह अपने जंगल का रास्ता भूल चुका था और किसी और ही जंगल में पहुंच गया था। वह आगे जा ही रहा था कि तभी उसके सामने से एक बारहसिंगा आता है और उसे कहता है कि मेरे भाई, इस जंगल में मत रहो। यह जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ बहुत ज्यादा जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हें मार के खा सकते हैं। यह कहकर बारहसिंगा चले जाता है। हिरन को पहले तो काफी डर लगता है, लेकिन फिर वह आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मुझे तो यह जंगल बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं इस जंगल को पहले पूरा घूमूंगा, फिर ही अपने घर जाऊंगा। हिरन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वह गलती से बाघ की पूंछ पर पैर रख देता है। बाघ को अपने सामने देख हिरन काफी डर जाता है। बाघ पहले तो बहुत तेज से दहाड़ता है, फिर कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत जो तुम मेरे ऊपर पैर रखो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हिरन डर के मारे भागना शुरू कर देता है। वह भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं। हिरन काफी तेज भागता तो है बाघ से बचने के लिए, लेकिन वह बाघ के सामने कहाँ टिक पाता। बाघ तेजी से भाग के उसको दबोच लेता है और वहीं पे मार के खाने लग जाता है। हिरन को मारने के बाद बाघ जंगल में घूमता है। जंगल में इतने सारे जानवर देख उसके मन में लालच पैदा होता है। वह रोज आता, किसी ना किसी जानवर को मार के ले जाता और उनका शिकार रोज किया करता था। कभी किसी जानवर को तो वह शौक के लिए भी मारा करता था। ऐसा रोज किया करता था। धीरे धीरे जानवरों की आबादी कम होने लग गई। ऐसा होने के कारण कुछ दिनों बाद सभी जानवरों ने एक सभा बिठाई। सब सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह बाघ ऐसे शिकार करना कम कर दे। तभी छोटा हिरन सुझाव देता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी के सभी 15 दिनों तक छुट जाए। हम सब 28 से 27 दिन तक बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन एक बाघ सिर्फ 15 दिन बिना खाए रह सकता है। सबको यह सुझाव अच्छा लगता है तो वह यही बात मानते हैं और छुप जाते हैं। हमेशा की तरह आज सुबह भी बाघ शिकार पर निकला, पर उसे कोई भी जानवर हाथ नहीं लगा। वह पूरे दिन जानवरों को ढूंढता रहा, लेकिन कोई ना मिला। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। बाघ शिकार पर निकलता पर उसे कोई भी जानवर नहीं मिलते। भूख के मारे बाघ ने हार मान दी और वह अपने जंगल लौट गया। इसके बाद सभी जानवर छोटे हिरन की तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, तुमने हम सब की जान बचा दी, तुम्हारी तरकीब बहुत अच्छी थी। इसीलिए कहते हैं समझदार कोई भी हो सकता है, बड़ा भी और छोटा भी। शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन से सब्सक्राइब करें और पास ही वाली घंटी को भी दबा दें।